नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। वैशाली विधानसभा के वैशाली और पटेड़ी प्रखंड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं बाढ़ से प्रभावित पीड़ित लोगों से लोजपा के युवा नेता सुजीत कुमार लगातार एक सप्ताह से मिल रहे हैं और उनका दुख दर्द जान रहे हैं और प्रशासन से भी संपर्क कर रहे हैं। इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। वैशाली विधानसभा के वैशाली व पटेड़ी बेलसर प्रखंड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गया है। प्रभावित क्षेत्रों का विगत एक सप्ताह से भ्रमण कर पीड़ितों के दुख दर्द को जान स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर हर संभव मदद और स्थिति से हर समय माननीय वैशाली सांसद महोदय को अवगत कराने रहने वाले लोजपा के युवा नेता व वैशाली सांसद प्रतिनिधि सुजीत कुमार उर्फ गोलू भाई ने बाढ़ की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आप वैशाली संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि हैं। वैशाली विधानसभा बाढ़ के लेकर काफ़ी प्रभावित है। इस संबंध में आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, आप क्या पाते हैं? क्या सरकार की व्यवस्था बिल्कुल मुकम्मल है जो सरकार दावे कर रही है? जी बिल्कुल मुकम्मल है। वही अभी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यह तो स्पष्ट होता है कि पूरे हमारे विधानसभा में लोग जो है बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। इसमें मूल रूप से आम जनमानस तो प्रभावित हैं ही, लेकिन पूरे विधानसभा में 100% किसान जो हैं इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए हैं और सरकार पूरी तरह मुकम्मल है। उनके हमारी सरकार के द्वारा हर पंचायत में जो है सामूहिक किचन चलाया जा रहा है और जो जिनके घरों में पानी घुस गया है उनके जो है जो उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, प्लास्टिक दिया जा रहा है और हर संभव मदद जो है हमारे सरकार के द्वारा की जा रही है। हाँ, ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत जो त्रुटि हुई है उसको बहुत जल्द जो है उसकी भरपाई कर ली जाएगी और लगातार माननीय सांसद जी के मॉनिटरिंग में हर रोज़ हर सुबह शाम उनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी ली जाती है और हम लोग द्वारा बताई जाती है। बताने के दौरान जो भी कमी है उसके लिए वो ऊपर के पदाधिकारी से बात करते हैं। किसान को सबसे ज़्यादा किसान की हाँ बिल्कुल हाँ निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर सरकार लगातार घोषणाएं कर रही है कि 6,000 रुपये दिया जाएगा। किसान जो है अब उनके सब्र का बांध भी टूट रहा है कि अब तक उनको मिल नहीं पाया। इस संबंध में सांसद महोदया कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल, अभी आज भी हमारी बात हुई है। जब मैं वहाँ बेलसर में भी मैं घूम रहा था तो उनका फ़ोन आया था। मैंने उनको बताया कि जो 100,000 का जो हमारी सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो जो इनका परिवार प्रभावित हुआ है, लेकिन किसानों के लिए अभी जो सर्वे का काम शुरू है और लगभग पंचायतें जो हैं इसके अधीन इसमें जो आती है, जैसे अभी हमारी बात बीओ साहब से हुई बेलसर से, तो वो बता रहे थे कि यहाँ बेलसर में 9 पंचायत है, तो 9 पंचायत का जो है रिपोर्ट उन्होंने किया है कि किसान के लिए आगे जो है बेहतर जो है सुविधा उपलब्ध हो पाए। धन्यवाद। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।